नेक्स्ट क्या चीज़ है? बिल्कुल, प्लान ये है कि अब हमारे जो ये वाला काम है ना, अब इसके दो आप कह लें कैटेगरीज हैं। एक वो कैटेगरी है जो हम पाकिस्तान के लिए करना चाहते हैं, जो पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट है। एक वो है जो इंटरनेशनल मार्केट, इंटरनेशनल है। ओके। तो जो पाकिस्तान का ये है, जैसे मैंने कल भी जिक्र किया था कि हमारे यहाँ एक तो जो बहुत ही हाई टेक टेक्नोलॉजी है उस पर बहुत ज़्यादा R&D और डेवलपमेंट नहीं नहीं, होती, बिल्कुल। और मास प्रोडक्शन बिल्कुल नहीं होती। अगर यूनिवर्सिटीज़ में रिसर्च लेवल तक हो जाता है तो उसको आप एक लार्ज स्केल पे कॉस्ट इफ़ेक्टिव तरीके से, ऑप्टिमाइज तरीके से प्रोड्यूस नहीं करते। तो मैं चाहती हूँ कि पाकिस्तान में जेट इंजन्स बने और उनकी एक फैसिलिटी या एक फैक्ट्री सेटअप की जाए जहाँ पे इंजन्स, बिकॉज़ इसमें वैल्यू एडिशन बहुत ज़्यादा है और इससे हमारा बहुत सा फॉरेन एक्सचेंज बच सकता है। हमारे मुल्क के प्रॉब्लम्स में जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है वो सॉल्व होता है, और इवन हम एक्सपोर्ट की तरफ भी जा सकते हैं। और ये एक, इसको मैं एक एज अ ब्रेक थ्रू करना चाहती हूँ, बिकॉज़ हमने एक हमारी सोसाइटी में एक माइंडसेट बना हुआ है कि ये इतनी हाई टेक चीज़ पाकिस्तान में नहीं बन सकती, हाँ। और इवन हम कार का और इंजन नहीं अगर बायर्स भी बनाते। हम लोग पाकिस्तानी ले लें तो बायर्स को भी ये प्रॉब्लम होती है कि हम इम्पोर्टेंट चीज़ छोड़कर एक लोकल चीज़ को, प्रोडक्ट को ख़रीदेंगे, और ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत ज़्यादा वो डेवलप है, होते हैं। लेकिन अब मेरे ख्याल है इस केस में बायर्स के पास चॉइस नहीं है, क्योंकि ये ऐसी टेक्नोलॉजी है जो आपको, जिस टेस्टेड पे है। इम्पोर्ट में भी बैन है। अच्छा इतनी अच्छा सेंस, अच्छा मतलब वो अच्छा एक सेंसिटिव चीज़ होती है कि वो यू आर नॉट अलाउ, इवन अगर आप बहुत यू आर विलिंग टू पे एनी प्राइस फॉर इट, आप फिर भी उसको नहीं खरीद सकते। तो इस केस में तो फिर बायर्स के पास ठीक है, ऐसी अग्री चॉइस अग्री नहीं है। अग्री। और आप देखें कि अब नेक्स्ट जो एरा है वो ड्रोन्स का है और अर्बन एयर मोबिलिटी का है, तो उसको ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ करने के लिए आपको जेट इंजन्स की ज़रूरत है। क्योंकि जब आपने देखा होगा आपके कोई कैमरा ड्रोन्स या इस तरह के, वो छोटे होते हैं और मोटर पे चलते हैं तो वो इतनी हाई पावर नहीं है। अगर आपने ड्रोन्स को ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल करना है, ज़्यादा फासले पे उड़ाना है, तो आपको ज़्यादा फ्यूल कैरी करना है, आपको कोई चीज़ पेलोड जिसको कहते हैं कि उसने क्या वज़न उठा के एक जगह से हाँ, दूसरी जगह पेलोड। किसी रिमोट एरिया में ट्रांसपोर्ट करना है, तो इन सब चीज़ों के लिए आपको ड्रोन को पावरफुल करना है। उसके लिए आपको एक जेट इंजन उस पर लगाने की ज़रूरत है। वो इलेक्ट्रिक मोटर या बैटरी ऑपरेटेड ड्रोन एक तो लॉन्ग डिस्टेंस नहीं कवर कर सकता और दूसरा पेलोड या वज़न ज़्यादा नहीं उठा सकता। तो ये एक तो मेरा प्लान है कि ये हम एक ऐसी फैसिलिटी पे मास प्रोड्यूस करें जेट इंजन ड्रोन्स से स्टार्ट करके, ताकि ये एक हमारे मुल्क में इसकी बहुत ज़रूरत है। हमारे ये फ्लड रिलीफ में काम आ सकता है, डेफिनेटली रिमोट माउंटेन रीजन हमारा इतना बड़ा है जहाँ सड़कें नहीं हैं, वहाँ पे एग्रीकल्चर में क्रॉप्स पे आप स्प्रे करते हैं इंसेक्टिसाइड और व्हाटएवर, जो फायर फाइटिंग में ये एग्री चीज़ एग्री काम एग्री, आती है, बहुत सारी चीज़ों में काम आ सकते सर्वेलेंस है, सर्च एंड रेस्क्यू है। तो इन सब चीज़ों के लिए आपको पावरफुल ड्रोन्स चाहिए, और उनके लिए उसका जो प्राइम मूवर है या पावर प्लांट है वो एक जेट इंजन होना चाहिए। तो दैट इज़ माई विजन फॉर दिस कंट्री एंड फॉर पाकिस्तान एंड फॉर द वर्ल्ड। जो मेरा दूसरा एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट है, क्योंकि ये बड़े जो लार्ज ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं उसके ऊपर एप्लीकेबल है, और ये जो धुआं निकलता है और पोल्यूशन होती है, जो लॉन्ग हॉल फ्लाइट्स होती हैं 8 घंटे 10 घंटे की वेरी हाई एल्टीट्यूड, उनके ऊपर होता है। तो वो दुनिया में दो ममालिक हैं जो वो जहाज़ बना रहे हैं, एयरबस एंड बोइंग, और इसी तरह उनके इंजन्स जो हैं रोल्स रॉयस, प्रैट एंड विटनी एंड GE एविएशन, तीन टोटल कंपनियां हैं जो इस पे काम कर रही हैं। तो ये जो एनवायरनमेंट इंजन है, ये उनके साथ मैं कोलैबोरेशन में बनाना चाहती हूँ, बिकॉज़ वो एक ऐसा इंजन है कि उसमें एक सर्टिफिकेशन होती है, एक स्टैंडर्डाइजेशन होती है। मतलब आप हर किसी भी जहाज़ पे कोई भी इंजन नहीं लगा सकते, जैसे गाड़ियों में आप कुछ भी कर सकते हैं। तो वो हम एक स्टैंडर्ड प्रोडक्ट बना के उसको सर्टिफाई करके इंशाल्लाह वो दुनिया के तमाम इंशाल्लाह जहाज़ों पे इंशाल्लाह लगेगा। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच डॉक्टर सारा कुरैशी, विश यू बेस्ट ऑफ लक। और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपसे मुलाकात करके, और यही पाकिस्तान के वो चेहरा है जो सामने आने की ज़रूरत थी और बिल्कुल सामने आ रहा है, और यकीनी तौर पर